सरकार कसाई को सैलरी देती है और तुम सब जो सनातनी अपने आप को कहते हो, सब मंदिर जाते हो, सब पूजा करते हो, मूड हो चुके हो। जो गौ मांस खाने वाले हैं, चाहे वो विधायक रहे चाहे मंत्री रहे, हमको नहीं चाहिए उसके 2 कौड़ी का पैसा। गौ मांस खाने वालों का हमको दान नहीं चाहिए। आरएसएस, भारत माता संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मेरा स्वयं श्रद्धेय गुरुकुल, आपका तेज खत्म हो चुका है। याद रखना, तुम लोग केवल अभी फोटोग्राफी वाले संगठन हो। कोई नेता आया, गले पे हाथ रहा, तुम तलबे चाटते हो। गायीचं रक्षण करता येत नसेल तर तुमचं मंदिर मठात जाणं व्यर्थ आहे। गोमांस खाणाऱ्या आमदार मंत्र्यांकडून मंदिर अथवा मठांनी दान स्वीकारू नये। मुख्यमंत्र्यांचे तळवे चाटणे सोडा। तसंच आरएसएस, बजरंग दल यांच्यासह गोमंतकातील सर्वच हिंदुत्ववादी संघटना आणि संस्थांनी पाखंड सोडावं असा सूर 15 ऑक्टोबर रोजी श्री क्षेत्र तपोभूमी कुंडळीत आळवण्यात आला। या कार्यक्रमात ज्योतिर्मठ पीठाचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, तपोभूमीचे स्वामी ब्रह्मेशानंदाचार्य, पर्वरीतील श्रद्धा केंद्राचे श्रद्धानंद स्वामी आदी मान्यवर उपस्थित होते। ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामींनी यावेळी गोव्यातील हिंदूंना आवाहन करताना मनगटातील ताकद दाखवली पाहिजे असं म्हटलंय। नेमकं काय म्हणाले वक्ते, चला ऐकूया। हम बोलते परशुराम भूमी है, गलत है। अगर परशुराम भूमि ये होती तो गौ माता का कत्ल होता है भगवान। यहाँ की सरकार कसाई को सैलरी देती है और तुम सब जो सनातनी अपने आप को कहते हो, सब मंदिर जाते हो, सब पूजा करते हो, मूड हो चुके हो। हमारी नेत्रों के सामने गौ माता का कत्ल होता है और आप सब चुप हो। गौ माता का कत्ल तुम्हारी आंखों के सामने होता है, तुम चुप रहते हो। शर्म तो तुमको करना चाहिए। आप मंदिर क्यों जाते हो जी? हमारे मठ मंदिर क्यों हैं? हम लोग संत लोग क्यों बने? गृह त्याग हमने क्यों किया? जब माँ की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो बेकार है सब। फिर ये गोवा की जिम्मेदारी हम संत लोग लेते हैं। जो गौ मांस खाने वाले हैं, चाहे वो विधायक रहे चाहे मंत्री रहे, हमको नहीं चाहिए उसके 2 कौड़ी का पैसा। जो माँ की हत्या करे हमारे मठ मंदिर में, अगर उसका दान भी आता है तो संत की बुद्धि भी भ्रष्ट हो सकता है। गौ मांस खाने वालों का हमको दान नहीं चाहिए। आरएसएस, भारत माता संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मेरा स्वयं श्रद्धेय गुरुकुल, पूज्य स्वामी जी का मठ, पाताल मठ, इस्कॉन, जन कल्याण समिति, गौ मंतक हिंदू प्रतिष्ठान, याद रखला संगठन के लोगों, तुम लोगों में बुरा नहीं मानना भगवान, मुंह से बुरा निकल जाता है, मैं तो दिल का हूं तो बोल देता हूं, आपका तेज खत्म हो चुका है। याद रखना, तुम लोग केवल अभी फोटोग्राफी वाले संगठन हो। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी सारी ऊर्जा केवल पाखंड और आडंबर में रख रही है। कोई नेता आया, गले पे हाथ रहा, तुम तलबे चाटते हो। मुख्यमंत्री ने हाथ, मैं भाजपा कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, हमको मतलब भी नहीं है। कोई मुख्यमंत्री तुम्हारे गले पे हाथ रख दे, तुम तलबे चाटते हो। अरे थोड़ा शर्म करना चाहिए। जब तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ का कत्ल होता है, गोवा में कम से कम 20-25 कत्ल खाने हैं, तुम चुप हो। तुम्हारा मंदिर जाना भी व्यर्थ है, तुम्हारा मठ मंदिर चलाना भी व्यर्थ है, तुम्हारा जितने भी संगठन है मेरी दृष्टि में, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, सब व्यर्थ है। अगर जो माँ की हत्या साक्षात देख सकता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसका कोई भविष्य नहीं है। इसलिए आप जागिए, जागना पड़ेगा। मैं तो 16 साल पहले गृह त्याग किया हूं। मैं चाहता हूं पूज्य ब्रह्मेश्वर स्वामी जी, हम पूरे गोवा में जब तक राजमाता घोषित नहीं हो जाती, हम पैदल यात्रा करें, सारे मठ मंदिर, सारे संगठन, तभी तेज होगा। गोवा ये पहला प्रांत है पूरे देश के अंदर जिसका नाम ही गौ से है, जो गाय पे है। तो सबसे पहले गौ माता की प्रतिष्ठा इसी प्रदेश में होनी चाहिए थी, क्योंकि अब नंबर कट गया। महाराष्ट्र वो प्रदेश बन गया जिसने अपने राज्य में राज्य माता का दर्जा गौ माता को दे दिया। और ये पूज्य महाराज जी का जो आंदोलन चल रहा है उसका प्रतिफल है। हम हिंदू हैं
हम सनातनी हैं और सनातनियों की जो पहचान है वो गाय है। इस देश के अंदर बहुत हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र, बहुत सारे नारे लगते हैं, लेकिन जब तक गौ माता की प्रतिष्ठा नहीं हुई तब तक हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना ही व्यर्थ है। जहां गाय के लिए संकल्प लिया गया हो तो गोवा के अगर पुरातन इतिहास में जाएं तो गोवा का तो सीधा संबंध गाय से था, लेकिन हमारी पुरानी संस्कृति को खंडित करके इसे पुर्तगालों की नगरी बता दिया गया। आज पूजनीय शंकराचार्य जी भगवान के लिए जब यहां स्वागत में महिलाएं खड़ी थी तो देख के मन इतना हर्षित हुआ कि वह गोवा जो आधुनिक भारत में नग्नता के लिए विख्यात हो रहा है, लोग हनीमून मनाने आते हैं, फॉरेन से लोग घूमने आते हैं, शराब पीने और बियर पी के समुद्र के बीच में मस्ती करने आते हैं, लेकिन यहाँ के मूल निवासियों को जो हमने देखा, यहाँ के संस्कारिक और संस्कृत का पोषण करने वाले लोगों को देखा तो 60-60 साल की महिलाएं किस तरीके से अपनी संस्कृति के हिसाब से नृत्य कर रही थी देख के मन आनंदित हो गया। इससे एक बात बड़ी स्पष्ट होती है कि जो भी लादा हुआ है, जो भी थोपा हुआ है, जो भी परिवर्तित किया हुआ है, जो भी दबाया गया है, उसके नीचे सत्यता की चिनगारी आज भी चल रही है। तुम्ही लक्षात ठेवा कि गोवा सर आता सांभाळायचा असेल तर इतर धर्मीय आपला धर्म कसा सांभाळतात हे तुम्ही बऱ्यापैकी पाहिलेलं आहे। आता गरज आहे आम्ही आमचा परिचय द्यायची। खूप झालं, ओम शांती 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 आम्ही करत आलो, पण लक्षात ठेवा आमच्या देवदेवतांनी सुद्धा हातामध्ये शस्त्र घेतलं धर्मरक्षणासाठी, म्हणून हिंसा जी आहे ती हिंसा आम्हाला नको आहे, पण आमचा धर्मही नष्ट झालेला आम्हाला नको आहे, म्हणून धर्म प्रतिष्ठापनेसाठी साक्षात भगवंत अवतार धारण करतात। मग आम्ही तुम्ही सगळेजण जे आहोत ते फक्त शांत बसून याला काय वाटेल त्याला काय वाटेल म्हणून गप्प राहण्याची वेळ आपल्यावरती कधीच येऊ नये। आणि लक्षात ठेवा, एक काळ पर्यंत तुमच्यावरती अत्याचार करणारे लोक हे तुमच्या आजूबाजूला असणार आहे आणि तुम्हाला कळणार पण नाही। त्यामुळे हिंदूंनो, आपल्या मधले सगळे मतभेद नष्ट करा आणि हिंदू म्हणून एक व्हा। तुमचं मंदिर हिंदू होऊ द्या, तुमचं घर हिंदू होऊ द्या, तुमची मुलं हिंदू होऊ द्या आणि हिंदू हीच आपली खरी ओळख, हा आपल्या गोव्याचा भविष्यातला आपला संकल्प आहे। आणि लक्षात ठेवा, कोणी आम्हाला हे सांगणार नाही, आम्ही सगळ्यांनी उभं राहायला पाहिजे। आज तुम्ही सगळ्यांनी पाहिलं असेल की प्रत्येक हिंदू जर कोणीतरी उभा राहतो तर त्याच्यावरती बऱ्यापैकी त्याला विरोध केला जातो, म्हणजेच हिंदू जर समजा कमकुवत करायचा असेल तर त्यासाठी यंत्रणा लागलेली आहे। म्हणून गोव्याचा सरकार असो किंवा गोव्यातली जनता असो, बहुसंख्य म्हणजे काय असतं हे आता तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या मनगटातल्या ताकदीने दाखवायला पाहिजे आणि म्हणून गोव्यातल्या लोकांनी एक होण्याची आज खरीच गरज आहे। निकल पडणे का अब समय है, अब हम हिंदुओं को जगाने के लिए हम लोगों को निकलना पड़ेगा। अब हमारा मठ हमारे गृहस्थ लोग संभाले, हम सन्यासी लोग मठ छोड़ करके निकल रहे हैं, अब हम अपने धर्म को जगाएंगे, ज्योति स्तंभ स्थापित करें। गोवा गौ का स्थान है, गोवा को चाहिए था कि सबसे पहले वो गौ माता घोषित करता, राज्य माता घोषित करता, गो माँ, लेकिन गोवा पीछे रह गया, महाराष्ट्र आगे हो गया, लेकिन कोई आगे पीछे की बात नहीं है, हमको आगे पीछे के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो पीछे भी चल करके उस काम को करके अपने आप का श्रेय बना लेना चाहिए। इसलिए हम आशा कर रहे हैं यहाँ के हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो यहाँ के 60% से अधिक लोगों की सीधे सीधे और बाकी जो लोग हैं उनकी भी, हमने देखा हमारी यात्रा में बहुत से मुसलमान हमको मिले, हमारी यात्रा में बहुत से ईसाई भी हमको मिले, सब ने कहा कि हम आपके साथ हैं महाराज जी, गौ माता को, राष्ट्र माता को।
आलोचित किया जाना चाहिए। तो ये जो बात कही जा रही है कि कुछ लोग विरुद्ध हैं, कोई विरुद्ध नहीं है, दो चार सिरफरों के सिवाय, देशद्रोहियों के सिवाय, इस देश से प्यार करने वाला, इस देश की संस्कृति से स्नेह प्रेम करने वाला, सम्मान करने वाला कोई भी भारत का निवासी गौ माता के प्रति दुर्भाव नहीं रखता है। इसलिए किसी भी प्रदेश की सरकार को या किसी भी देश, हमारे देश की केंद्रीय सरकार को गौ माता को माता कहने में बिल्कुल हिचक नहीं दिखानी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके गौ माता को माता कह करके बुलाने में संकोच नहीं करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि गोवा के लोग, पहले तो मुख्यमंत्री स्वयं कैबिनेट के साथ परामर्श करके जल्दी से जल्दी इसको घोषित करें, दोबारा शंकराचार्यों को बुलाएं, चारों शंकराचार्यों को बुलाएं, चारों शंकराचार्यों का इस प्रतिष्ठा आंदोलन को आशीर्वाद है, वो आएंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर